नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं, खड़े कोई नहीं रहे। हेलो, नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार अनुक्रमेण सकल कर्म छातम भाव पूजा वन्ना स्थव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय सर्गम करोमि। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं धायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारकं प्रदानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटि शतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्र संख्यमेतच्युतं पञ्च पदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणहरदेवीं गन्थियं समं प्रणमामि भक्तियुतो सुदनान् महोवहिं शिरसा। इच्छामि वन्दे सुदभक्ति कौशौ तस्सालचिम् अंगो वंग पाइणय पाउणय पर्यम सुत परमाणु ओ पुब गए चूलिया चेव सुतथय द्विदम कहायम सयानिच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी। दुख कौ कम कौ बोई लाओ सुगम नम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अत पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायम पूर्वाचार सकल कर्म चारतम भाव पूजा वन्ना स्थव समेतम श्रीमद आचार्य भक्ति काय सर्गम करो। सुज्जलदि पारिगेभ्यः सुपरमद्भिभावना पटिमतेभ्यः सुचरित तपोन देव्यो नमो गुरुभ्यो गुरु गुणोभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंच बिहाचारि कर्ण संदर्शे शिष्याडुगय कुशले धम्मायरी सदा वंदे। गुरु भक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायनम घोरम छिन्नन्ति अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पावेन्ति। ये नित्यं वतमन्त होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृतास्तपोदन्दनः साधु क्रियः साधवा शीलप्रावर्णा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकः मोक्षद्वारकपाटपाटन्मठा पीडन्तु मां साधवा। गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। इच्छाएं वन्ते आयरी भक्ति कौशौ तस्सालचिम सम्मिनान समदर्शन समचरजुत्ताणम पंच विहाचारणम आयरियाणम आयरादिशुन्नानुपदेशाणम वज्जायाणम तिरंगगुणपारायणम सभ्यसाहुणम निशयनिच्छकालम अंचेमी पूजेमी वन्दामी नमस्सामि। दुख कौ कम मखौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभताम ज्ञातारम तत्व विश्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। बोली आचार्य प्रवर्षि उमा स्वामी जी महाराज की, संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि निरापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, उत्तम संयम धर्म की, आज पर्वराज परिभूषण का छठवां दिन है, उत्तम संयम धर्म का दिन है। पिछले अध्यायों में हमने जीव तत्व
और अजीब तत्व। शुरू के चार अध्याय में जीव तत्व का वर्णन सुना और पांचवे अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन हम लोगों ने सुना। पहले अध्याय में आचार्य महास्वामी महाराज ने सात तत्वों का विवेचन किया था, उसमें जीव अजीव। आज क्रम है आश्रव तत्व का। सभी तत्व पृथक पृथक स्वतंत्र हैं, जीव भी स्वतंत्र है और अजीव द्रव्य भी स्वतंत्र है, किंतु दोनों के स्वतंत्र होने पर भी जब आपस में इनका परिणामों के माध्यम से संयोग होता है तो एक तीसरा ही तत्व इनमें उत्पन्न होता है। जैसे कल महाराज जी ने एक उदाहरण दिया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ये गैसें वायुमंडल में विद्यमान रहती हैं, इनके आपस में मिलने पर तीसरे तत्व एक जल तत्व की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जीव और अजीव दोनों जब आपस में संयोग को प्राप्त होते हैं तो एक आश्रव तत्व उत्पन्न होता है। तो आज इसी अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने किया है। इसके लिए जैसे योग मिलता है दो तत्वों के, सो अब आश्रव से पहले आचार्य महाराज यहाँ पर योग क्या है ये बता रहे हैं पहले सूत्र में। क्योंकि ये छठवां अध्याय है, आचार्य श्री इसको क्या कहते हैं, छठा हुआ अध्याय है, क्योंकि इससे हमें जब पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा कि हम क्या आश्रव के कारण क्या है और आश्रव करने से हम शुभ का आश्रव कर रहे हैं या अशुभ का। इससे हमें कर्म बंद होता है, कर्मों का आश्रव होता है। इसके पढ़ने से आचार्य जी कहते हैं ये अध्याय हमें बार बार पढ़ते रहना चाहिए, कम से कम हमें ये ज्ञात तो हो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पुण्य कमा रहे हैं और कहाँ पर पाप कर रहे हैं। पहले अध्याय में आचार्य कह रहे हैं, काय बांग मनः कर्म योगः, काय बांग यानी वचन और मन, इनकी क्रिया कर्म यानी क्रिया योग कहलाती है। अब अपन लोग सामान्य से बोलते हैं मन वचन और काय, तो आचार्य श्री हम लोगों को जब सर्वार्थ सिद्धि पढ़ा रहे थे तो इसमें उस समय उन्होंने कहा था कि ये क्रम इस सूत्र में ऐसा विपरीत मतलब क्यों रखा है, काय पहले रख दिया, बांग बीच में और मना, अपन बोलते हैं मन वचन और काय। तो आचार्य श्री ने कहा था कि इसमें काय सबसे अधिक संख्या में होते, काय वाले काय योग वाले संख्या में सबसे अधिक होते हैं, उसके बाद वचन योग वाले असंख्यात होते हैं और उससे भी कम मनोयोग वाले होते हैं। इसलिए इनको क्रम से पहले काय वचन और फिर मन, एक इंद्रिय आदि सबसे ज्यादा काय योग वाले होते हैं, फिर दो इंद्रिय से आदि लेकर वचन योग वाले होते हैं और पंचेंद्रिय संगी ये मनोयोग वाले सबसे कम संख्या में होते हैं। तो यहाँ क्या कहा जाते, सामान्य रूप से योग के मायने अपन कई लोग लगाते हैं कि ध्यान होता है, लेकिन जैन दर्शन में काय वचन और मन की जो क्रिया है उनका जो परिस्पंदन होता है उसे योग कहा गया है। यहाँ क्रिया या कर्म है उसे क्रिया भी कहते हैं, उसका परिस्पंदन है। ऐसा नहीं कि जब हम बोलेंगे तभी वचन योग होगा, हम बोलें या ना बोलें वचन हमारे अंदर निरंतर वचन योग चलता रहता है। भूलने या ना भूलने दोनों स्थितियों में जो वचन का परिस्पंदन है, जो प्रयत्न होता है उसे वचन योग कहा है। इसी प्रकार मन का है, हम सोचने का जो प्रयत्न या उद्यम करते हैं उसे मनोयोग कहा है। मैं कुछ करूं या ना करूं इस तरह का जो परिस्पंदन होता है वह कहलाता है मनोयोग। अब आश्रव के क्या है, ये आश्रव का अध्याय है तो आचार्य श्री इसके लिए अलग से दूसरा सूत्र दे रहे हैं, स आश्रवः, जो ऊपर योग बताए मन वचन और काय
जो आत्मा में परिस्पंदन होता है वह योग, वह योग ही क्या है, आश्रव है। इस योग से ही आश्रव या कहें मन वचन काय में परिस्पंदन हुआ और कर्म आकर हमारे साथ संबंध को प्राप्त हो जाते हैं। तो आश्रव जिन परिणामों के द्वारा कर्म आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, आत्मा में आते हैं, उसे आश्रव कहते हैं। असमंतात् श्रवति इति आश्रवा, ये सामान्य परिभाषा है। कर्मों के आगमन को आश्रव कहते हैं। अब जो छैडाला में भी पंडित दौलाराम जी ने कहा, जो योगन की चपलाई ताते है आश्रव भाई, आश्रव दुकार घने रे बुरीबंत तिने निर्वेरे। जो योगन, जो हमारी योगन की चपलता या योगों में परिस्पंदन है, उसे भी छैडा लकार आश्रव कहते हैं। ये हमारे लिए दुख देने वाले हैं, इसलिए इन्हें निर्वेरे यानी हमें बुद्धिजनों को दूर करना चाहिए। अब जो थोड़ा सा इसमें समझ लें, हमारे आत्मा के प्रदेश, जैसे कल महाराज जी ने बताया था कि जीव दब में कितने असंख्यात प्रदेश, जीव दब कैसा होता है, असंख्यात प्रदेश ही होता है। हमारे आत्मा के प्रदेशों पर ही जो कर्म बड़गड़ाएं हैं वो पुद्गल बड़गड़ाओं के रूप में विद्यमान रहती हैं। जितने भी प्रदेश हैं उन सब पर पुद्गल बड़गड़ाएं रहती हैं। आचार्य इसको कहते हैं कि वो उम्मीदवार के रूप में वहां विद्यमान रहती है। कब हमारा नंबर आ जाए, जब हम मन वचन योग के द्वारा आत्मा में हलन चलन होती है तो अपने आप उनका किसी ना किसी का नंबर आ ही जाता है। तो जब हम मन वचन का कोई भी क्रिया करते हैं उस समय जैसे हमारे विचार या भावनाएं होती हैं, उसी के अनुरूप पुद्गल बड़गड़ाएं कर्मण बड़गड़ा के रूप में परिवर्तित होकर हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आश्रव कहलाती है। जब उन कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो जाता है तब उसे बंध कहते हैं। बंध हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, क्योंकि बंध और आश्रव एक समय संबंधी है, एक ही समय में दोनों तत्व दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। अब जो आश्रव होता है इसके आगे आचार्य से सूत्र दे रहे हैं कि वह भेद होता है, उनमें भेद होते हैं, प्रभेद होते हैं। तो कह रहे आश्रव विशेषता बताने के लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। जब शुभ योग होता है तब पुण्य का आश्रव होता है और जब अशुभ योग होता है तब पाप का आश्रव होता है। एक शुभ आश्रव और एक अशुभ आश्रव। हम अपने जीवन में निरंतर जो मन वचन काय की क्रियाएं करते रहते हैं, हमारे अंदर कोई ना कोई विचार सदैव चलता रहता है, वह शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। वे ही हमारे पूरे जीवन को निर्धारण करते हैं, क्योंकि उनसे ही आश्रव कर्मों का होता है। अब आचार्य जी कहते हैं ये भेद इन शुभ और अशुभ दो प्रकार से, और एक द्रव्याश्रव और भावाश्रव, इस प्रकार से आश्रव के दो भेद और होते हैं। तो द्रव्याश्रव क्या कहलाता है, पौद्गलिक कर्मों का आना ये द्रव्याश्रव कहलाता है, और मिथ्यात आदि द्रव्यों का द्वारा आत्मा में भावों का होना ये कहलाता है भावाश्रय। अब जैसे अशुभ योग, जैसे हिंसा करना, चोरी करना, कुशील सेवन आदि, ये अशुभ काय योग है। असत्य बोलना, कठोर वचन बोलना, अशब्द वचन बोलना आदि, ये अशुभ वचन योग है। मानने का विचार करना, मन में ईर्ष्या भाव आदि रखना, ये अशुभ मनोयोग है। इसके विपरीत जो होते हैं अहिंसा अचोर और ब्रह्मचर्य आदि जो शुभभाव होते हैं वो शुभ काय योग होते हैं। और सत्य वचन बोलना, मधु वचन बोलना और सभ्य वचन बोलना, ये क्या कहलाते हैं, शुभ वचन योग। और अच्छे विचार करना, सामने वाले का अच्छा हो, ऐसे शुभ विचारों का होना, ये शुभ मनोयोग होते हैं। अब एक और परिभाषा
सुबह पुण्य पुण्य और पाप को भी आचार्य मान्य लिया है, तो क्या है जो आत्मा को पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होती है वह पुण्य है। ये परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वा सिद्ध ग्रंथ में दी है। और जो आत्मा को शुभ से बचाता है, शुभ से दूर करता है वह पाप है। जैसे शुभ में साता वेदनीय और अशुभ में असाता वेदनीय कर्म। अब अन्य प्रकार से आस्था क्या होते हैं, आस्था का होना किस अन्य प्रकार से, आचार्य से इसके लिए अगला सूत्र दे रहे हैं। सकसाया कसाययो सांप्राय क्रिया पथियो। अब जो ऊपर सूत्र में शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव जो दो प्रकार का बताया है वह कैसा होता है, तो कसाय सहित आश्रव जो होगा वो, और एक कसाय रहित, इस प्रकार दो प्रकार का और ये आश्रव होते हैं। ये दोनों स्थितियां भी जिनमें आश्रव होता है। अब कसाय रहित योग सांप्राय का आश्रव कहलाता है और कसाय रहित योग इरियापत आश्रव कहलाता है। कैसे, कसाय से रहित अवस्था, कसाय कहां तक रहता है, दसवें गुण स्थान तक कसाय रहती हैं और उसके ऊपर स्थानों में कसाय का अभाव हो जाता है। कसाय से रहित अवस्था में मन वचन काय के परिस्पंदन से जो आश्रव होता है वह इरियापत आश्रव कहलाता है। जैसे सांप्राय, सांप्राय का क्या अर्थ होता है, सांप्राय का अर्थ होता है कसाय, इसलिए कसाय सहित जो आश्रव होगा वह सांप्राय का आश्रव। अब थोड़ा सा इसमें समझ लें, जैसे इरियापत आश्रव तो बहुत ऊंची मतलब ग्यारहवें गुण स्थान से ऊपर होता है, कसाय से रहित अवस्था अर्थात ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें गुण स्थान में जहां तक कसाय है, दसवें तक गुण स्थान पर वहां तक सांप्रायिक आश्रव होता है। जैसे जब तक अपने सच्चे देवसाज गुरु के प्रति श्रद्धा रहती है तो जानिए कि हम अपने दर्शन मोए दर्श हमारे अपने हमारे अंदर दर्शन मोए भी है और चायत्र मोहिनी कर्म भी है। और जब अपने सच्चे देव सदगुरु के प्रति श्रद्धा होती है तो दर्शन मोए या तो क्षय को प्राप्त हो जाता है या क्षयोपशम हो जाता है या उपशम हो जाता है, ये तीन अवस्थाएं सम्यक दर्शन की होती हैं। लेकिन उस समय भी अपने अंदर चारित्र नहीं आया तो अपन ये समझ लें कि कसाएं विद्यमान हैं। कसाएं जितनी हमसे दूर हटती जाएंगी उतना हमारे अंदर चारित्र बढ़ता जाएगा, फिर चारित्र के गुण स्थान पर काटे हो जाएंगे। जैसे शुरू के पहला दूसरा तीसरा चौथा ये चार स्थान तो श्रद्धान और अश्रद्धान रूप से संबंध रखते हैं। फिर सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो गया, देशव्रत ले लिया तो पांचवा गुण स्थान होगा, महाव्रत ले लिया, जब महाव्रत लेते हैं तो पहले सातवां गुण स्थान होता है, फिर उसके बाद छठवें गुण स्थान में नीचे आना होता है। इस तरह महाव्रत के साथ छठा सातवां गुण स्थान होगा। फिर दर्शन मोहिनी व चायत्र मोहिनी दोनों की विशेष रूप से चायत्र मोहिनी की अपेक्षा से हम उसका उपशम करते हैं तो आठवां नौवां दसवां और ग्यारहवां स्थान होता है, ये उपशम श्रेणी कहलाती है। फिर जब हम चारित्र मोहिनी की छपना यदि करते हैं उसका क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं तब उसमें आठवां गुण स्थान नौवां दसवां और फिर सीधे बारहवां गुण स्थान होता है। थोड़ा सा जैसे दसवें में सारी कसाएं चारित्र मोहिनी का उपशम या क्षय हो जाता है तो उस समय चारित्र मोहिनी के उपशम होने पर ग्यारहवां गुण स्थान होता है, उसे उपशांत कसाय नाम का गुण स्थान कहते हैं। अब मान लो हमारी कसाएं शांत हो गई, क्षय को प्राप्त हो गई पूरी तरह, तो वो बारहवें गुण स्थान हो जाता है, यह क्षीण कसाय नाम का गुण स्थान कहलाता है। अब इसके लिए कसाय के साथ जो आश्रव होता है सांप्रायिक वह कितने भेद वाला होता है, प्रकार का होता है, आगे यह बताने के लिए आचार्य महाराज सूत्र दे रहे हैं। इंद्रिय कसायाव्रत क्रिया पंच चतुर पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्याः भेदा। पूर्वस भेदा यानी पूर्व के जो पहले का भेद वाला है वो सांप्राय कसाओ के, इंद्रिय कसाय अव्रत
और क्रिया भेद रूप से जो क्रम से जो है पंच यानि इंद्रिय कितनी होती है पांच, कषाय चार, अव्यय पांच और क्रियाएं 25 भेद रूप होती हैं। अब इंद्रिय किसे कहते हैं तो सामान्य से परिभाषा है जो सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान कराने में कारण बनती है वह इंद्रिय है, और कषाय जो आत्मा को कसती है दुख देती है कषाय है, क्रोध आदि परिणाम आत्मा को दुर्गति में ले जाने के कारण होने से आत्मा को कसते हैं, आत्मा के स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते हैं, सो वो कषाय कहलाती है। अब कषाय से अब पांच अव्रत कौन कौन से होते हैं, पांच पापों को पांच अव्रत का, हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिग्रह सभी जानते हैं। अब क्रियाएं कितनी होती हैं 25, इनका थोड़ा सा अपन देख ले। पहली है सम्यक्त क्रिया, सच्चे देव सास गुरु की हम पूजा करते हैं यह सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली क्रिया है, इसलिए इसे सम्यक्त क्रिया कहते हैं, यह शुभ आस्तव का कारण होती है। अब दूसरी क्रिया सच्चे देव सास गुरु की पूजा सम्यक को दर्शन को बढ़ाने की यह क्रिया, दूसरी कौन सी है मिथ्यात् क्रिया, सच्चे देव सास गुरु के अलावा अन्य और की उपासना करना, अन्य देवी देवताओं की उपासना करना, ये हमारे मिथ्या दर्शन को बढ़ाने की क्रिया है। तीसरी है प्रयोग क्रिया, आने जाने में होने वाली शरीर की प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है, यह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती है, इन दोनों प्रकार के आसवन से हो सकते हैं। जब चौथी है समाधान क्रिया, जब संयम की उपेक्षा करके असंयम का हम समर्थन करने लगते हैं तब यह समाधान क्रिया होती है, इससे क्या होता है पाप का आश्रय होता है। पांचवी है ईर्ष्यापद क्रिया, सावधान ईर्ष्या ने चलना, सावधानी पूर्वक चलने की जो क्रिया होती है उसे ईर्ष्यापद क्रिया कहते हैं। हम लोग ईर्ष्यापद एक समिति होती है, इसमें बताया कि चार हाथ देख के आलोक के प्रकाश में चलना पड़ता है, ईर्ष्यापद क्रिया ये कहलाते ईर्ष्या समिति। छठ भी है प्रादोष की क्रिया, क्रोध के आवेश में होने वाली क्रिया को प्रादोष की क्रिया कहते हैं। काय की क्रिया, पाप भाव से युक्त होकर कार्य करने के प्रयास को काय की क्रिया कहते हैं। अधिकारिणी क्रिया, हिंसक उपकरणों को संचित करके रखना, हिंसा के जो उपकरण है ना तलवार और बंदूक वगैरह इनको संचित करके रखना, ये अधिकारिणी क्रिया ये पाप आश्रय कराने वाली है, इनसे निरंतर पाप का आश्रय होता रहता है। अब प्राणियों को पीड़ा देने की क्रिया ये पारिताप की क्रिया है। दसवीं है यदि प्राणियों का घात किया जाए, उनके जो प्राण होते हैं आयु वगैरह श्वास वगैरह इनका घात किया जाए तो वो कहलाती है प्राणातिपात क्रिया। ग्यारहवीं है दर्शन क्रिया, सुंदर रूप देखना, ये दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है, यह रूप वगैरह देखना, जैसे यह दर्शनीय स्थल है यहाँ देख कर आए वहां घूम कर आए, या ये सब जो देखने में क्रिया होती है ये दर्शन क्रिया है, इससे भी पाप का ही आश्रय होता है। अब स्पर्शन क्रिया, स्पर्श योग वस्तुओं का स्पर्श करना स्पर्शन क्रिया कहलाते हैं, जैसे किसी वस्तु को छूकर स्पर्श करके देखना कैसी है, ये कपड़े वगैरह देखने में आते हैं सुंदर हैं अच्छे हैं, ये स्पर्शन क्रिया कहते हैं, इसमें पाप का आश्रय होता है। फिर है प्रत्येकी क्रिया, इंद्रिय विलास की वस्तुओं के प्रति आकर्षण होना, ये प्रत्येकी क्रिया कहलाती है। कई प्रकार के इंद्रियां अपने पांच इंद्रियां हैं, इनसे आकर्षण होता रहता है, और जो वस्तुएं आकर्षित होती हैं उन सबसे अधिक उसी से पाप का आश्रय होता है, हमारे उपयोग में नहीं आने तो भी हम उनको उनके प्रति आकर्षित होते रहते हैं, इसलिए पाप का आश्रय इस क्रिया से होता रहता है। अब समानतानुपात क्रिया, आने जाने रहने के स्थान पर
मलमूत्र विसर्जन करना, कहीं पे भी मलमूत्र विसर्जन करने जहाँ प्राय सांपों का स्त्रियों का आना जाना रहता है, यह समानतानुपात क्रिया कहलाती है, इससे ही पाप का आश्रय होता है। अब अनाभोग क्रिया, बिना देखी सोधी जमीन पर कुछ भी सामग्री सामान आदि रख देना, ये अनाभोग क्रिया कहलाती है। अब पाप निसर्ग क्रिया, यह पाप की क्रिया कहलाती है, ऐसी क्रिया करना जिससे पाप का समर्थन होता है, कोई ऐसे गलत कार्य करते हैं हम उसका समर्थन यदि कर दें तो ये निसर्ग क्रिया कहलाएगी, इससे पाप का आश्रय होगा। विदारण क्रिया, दूसरे के पाप को उजागर करना, जिसे किसी ने कोई कार्य ऐसा किया है जो बताने योग्य नहीं था, फिर भी हमने उसका गुप्त रखना चाहिए था, हमने उसका सामने उद्घाटन कर दिया, तो ये विदारण क्रिया कहलाती है। इससे क्या होता, इससे उस दूसरे व्यक्ति का अहित होगा, वह तो होगा ही, साथ ही स्वयं का भी अहित हो जाए, क्योंकि हमने ऐसे पाप का आश्रय किया है। अब स्वास्थ्य क्रिया, दूसरे के करने योग्य क्रिया को स्वयं करना, जो कार्य हमारे योग्य नहीं है हम ऐसे कामों को भी कर देते हैं, ये कहलाती है स्वहस्त क्रिया। अब जो शास्त्रोक्त क्रिया, शास्त्रोक्त विधि से क्रिया का पालन न कर सकने के कारण उसको हम मन, उसके अपने मन से विपरीत उसका कथन करते हैं, विपरीत उसका अर्थ निकाल लेते हैं, नहीं शास्त्रों में ऐसा नहीं ऐसा लिखा है, यह आज्ञा व्यापाद की क्रिया कहलाती है। अब अनाकांक्ष क्रिया क्या है, शास्त्रोक्त क्रिया विधि का पालन तो करना लेकिन अनादर करना, उसमें अनादर करना या मन नहीं लग रहा हो फिर भी ऐसा करना, ये अनाकांक्ष क्रिया कहलाती है, इससे भी पाप का आश्रय होता है। अब आरंभ क्रिया, पाप की क्रिया स्वयं करना अथवा दूसरे को करते देखकर खुश होना, एक तो अपन आरंभ करते हैं आरंभ में पाप तो है ही, दूसरे यदि दूसरे को देख करते देख दूसरा कोई कर रहा है उसमें भी हम यदि आनंद मनाए तो ये आरंभ क्रिया कहलाती है, इससे भी क्या होता है पाप का आश्रय होता है। अब परिग्रह की क्रिया, परिग्रह नष्ट ना हो, हम जो इतना परिग्रह जोड़ के रखते हैं उसमें और वृद्धि ना हो, नष्ट ना किसी तरह भी ये नष्ट ना हो, इसके लिए जो हम प्रयत्न करते रहते हैं वह परिग्रह की क्रिया कहलाती है। परिग्रह के संरक्षण के लिए किए गए सारे उपाय आश्रय के कारण होते हैं। अब माया क्रिया, ज्ञान और दर्शन के विषय में छल पूर्वक व्यवहार करना, ये माया क्रिया का मायाचारी करना, ये माया क्रिया कहलाती है। मिथ्या दर्शन क्रिया क्या है, मिथ्या दर्शन के पोषक पुरुषों की प्रशंसा करना मिथ्या दर्शन क्रिया है, जैसे मिथ्या क्रिया बताई थी उसमें क्या था, अन्य की उपासना करना, वो मिथ्या क्रिया थी, लेकिन यहां क्या है, जो भी मिथ्या दर्शन के पोषक तत्व हैं, जो उनको बढ़ावा देना, उनका पोषण करना, उनकी प्रशंसा करना आदि क्या कहलाती है, मिथ्या दर्शन क्रिया। अब अप्रत्याख्यान, ये 25वीं क्रिया क्या है, त्याग की प्रवृत्ति, त्याग के परिणाम ना होना अप्रत्याख्यान क्रिया है, इससे भी निरंतर पाप का बन पाप का आश्रय होता रहता है। अब जो एक सूत्र आया था जो अपन थोड़ा सा उसमें छोड़ गए, सुभस्य पापस सुभस्य शुभ पुण्यस्य शुभ पापस, इसमें एक उदाहरण देना था, जैसे अब पाप का आश्रय शुभ पाप का आश्रय कैसे होता है, तो एक जैसे आप लोग टीवी सीरियल या धारावाहिक वगैरह देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, अब वो नाटक या धारावाहिक कई एपिसोडों में आता है, लगातार चलता रहता है, अब उनको बनाते कौन है, निर्माता कौन है, निर्देशक, क्या वो पूजनीय होते हैं, क्या पूजनीय या उनको अपन सम्मान ऐसा दे सकते हैं, तो वो जो भी अपन इसमें सीरियल वगैरह देखते हैं तो वो सब हमारे अशुभ पाप का आश्रय कराते हैं। अब शुभ पुण्य का आश्रय कैसे होता है, तो जैसे यहाँ पे 10 दिनों के लिए एक यहाँ पे आपको धारावाहिक दिखाया जा रहा है, कौन सा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है तत्वासूत,
प्रतिदिन का एक एपिसोड होता है, उसमें प्रतिदिन आपको अलग अलग विषय पर व्याख्यान दिखाया दिया जा रहा है। अब उसमें जैसे निर्माता और लेखक, तो उसके निर्माता लेखक कौन है? आचार्य उमास्वामी जी महाराज है। उसके निर्देशन कौन है? आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज है। और उसमें गीत संगीत या जो भी संवाद होते हैं उसमें मुख्य कलाकार के रूप में तीनों महाराजों को अभी नियुक्त किया गया है। अब मान लो उसमें कुछ आचार्य महाराज को भी बाद में उद्बोधन, तो वो भी एक अतिथि कलाकार के रूप में इसमें लाए गए हैं। तो ऐसे अब जे देखो वो आपके जो सीरियल चलते हैं पाप का आश्रय कराते हैं, और ये जो अपन करते हैं ये आपके शुभ पुण्य का आश्रय कराने वाला है। इसके जो भी आचार्य रचेता है उनका भी अपन पूजन वंदन अर्चन करते हैं, आचार्य महाराज का भी मुनि महाराजों का भी आप निरंतर मान लो दर्शन भी करते हैं, तो इससे कितना होता है? पुण्य का आश्रय होता है। और ये पुण्य का आश्रय हमें क्या करवाता है? मुक्ति भी दिला सकता है। लेकिन जो अपन टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं उससे हमें हमेशा संसार ही मिलेगा, संसार ही हमारा उससे बढ़ता जाएगा। तो ये हमें इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमने 25 क्रियाएं बताई, इससे आश्रय होता रहे। अब आगे सूत्र बता रहे हैं कि आश्रय के क्या भेद होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं। इसके लिए आचार्य महाराज सूत्र कह रहे हैं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे व्यस तद विशेषः। जो आश्रव बताए हैं उनमें विशेषता कैसे आती है? तो ये कहते हैं कि तीव्र भाव, भाव जो भाव दिया है वो सबके साथ लगाना है। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष, इनके भेद भेद से आश्रव में विशेषता आती है। अब इस प्रकार एक एक आश्रव इन तीव्र मंद आदि भावों के भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है। इसमें अपना भाव यानी परिणाम कैसा है, उसकी प्रबलता कितनी है, उसकी सघनता या गहराई कितनी है, उसका आधार अधिकरण क्या है, इन सब पर निर्भर करता है आश्रव। ये तीव्रता आदि भाव पाप रूप भी हो सकते हैं और पुण्य रूप भी हो सकते हैं। जैसे बहुत उत्साह से आप लोग कोई पूजा करते हैं ना पर्यूषण में, बहुत उत्साह के साथ कोई इस पूजा कर रहे हैं ये पुण्य का काम है, या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे पाप की क्रिया कह लेते हैं, बहुत आसक्त होकर वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं तो ज्यादा पाप होता है, और अनासक्त भाव से अपन करेंगे तो पाप कम होगा। ये तीव्र और मंद हो गया। अब बहुत सारे अपने परिणाम कैसे रहते हैं, तो कहां तीव्र हो गए कहां मंद हो गए। जिसमें जितना संतोष होता है उतना ही वह मंद परिणामी होगा, और जितना ही इसमें असंतोष का भाव रहेगा उतना ही तीव्र भाव उसमें रहेगा। अब ज्ञात भाव क्या कहलाता है? जो जानबूझकर जो प्रवृत्ति कह लेते हैं, जो हम जानते हैं फिर भी ऐसे भाव कर लेते हैं, वो ज्ञात ज्ञात भाव कहलाते हैं। अज्ञात भाव क्या है? या कई बार यह कई बार प्रमाद बस हो जाता है या अहंकार बस भी हो जाता है, वह अज्ञात भाव है। जैसे कई बार होता है ना कि हमारा ये दादा नहीं होता, किंतु मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिससे सामने वाले को पीड़ा पहुंच जाती है, तब ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत कह दिया, तो उसका अनुभव हम भी करते हैं। तो ये हमारा कैसा हो गया? अज्ञात भाव हो गया। अब अधिकरण क्या कहलाता है? जिसके माध्यम से जो भाव उत्पन्न हो वो अधिकरण है। यह अधिकरण जीव या जीव का होता है। किसी व्यक्ति को देखकर हमारे भीतर अच्छे भाव उठते हैं, कभी किसी को देखकर बुरे भाव उठते हैं, तो ये क्या हो गया? अधिकरण हो गया। अब वीर, वीर क्या है? वीर कहलाती है शक्ति। जैसे दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्तियों की शक्ति भिन्न भिन्न होती है। एक अच्छा मोटा है उसको अपन बलवान समझ लेते हैं,
एक कोई दुबला पतला है उसको अपन क्या कमजोर समझ लेते हैं। इसी प्रकार जे आपके भाव हुए। अब इस प्रकार भावों की तीव्रता आदि के भेद से आशाओं के अनेक प्रकार हो गए। अब जो पूर्व सूत्र में अधिकरण पद आया है उसके क्या भेद होते हैं इसको बताने के लिए अगला सूत्र दे रहे हैं। अधिकरणम जीवा जीवाह। अधिकरण दो प्रकार का है, एक जीव अधिकरण और एक अजीवाधिकरण। अब अगले सूत्र में जो जीव अधिकरण बताया है उसके भेद बताते हैं। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योगकृत कायतानुमत कसाय विशेषाइस त्रिस 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 चतुश्चैकसाह। आद्यम आद्यम मतलब जो पहला जीव अधिकरण है उसके भेद बता रहे हैं। जीव अधिकरण समरंभ समारंभ और आरंभ ये तीन प्रकार का। योग भी कौन कौन से है? मन वचन और काय, ये तीन प्रकार के योग होते हैं। कृत कारित और अनुमति ये तीन प्रकार से भेद होते हैं। और कसाय भी कितनी होती है? चार। कौन कौन सी? क्रोध मान माया लोभ। इनको आपस में आप गुणा कर दें, तीन समरमादि, तीन योग, तीन कृतादि और चार कसाय, जिकेस कितने हो जाएंगे? 108। 108 जे जीव अधिकरण है। इसलिए इन अधि मतलब आस्था इनसे होता रहता है, इसलिए मुनि महाराज इन आस्था को रोकते हैं। इसलिए उनके आगे कितना लगाया जाता है? 108। और अपन माला किस लिए करते हैं? कितने की होती माला? 108। इससे भी हमारे ये आसव दूर होते जाए, कम होते जाए। अब इनको जैसे किसी कार्य की अपन योजना बनाते हैं, फिर उसके अनुरूप सामग्री एकत्र, तो योजना बनाना ये क्या हो गया? समरम। किसी कार्य की योजना बनाते हैं, फिर उसके अनुरूप सामग्री एकत्रित करते हैं, फिर उस योजना के अनुरूप कार्य करना शुरू करते हैं, मतलब जी कहलाता है समरम समारंभ और आरंभ। फिर स्वयं करते हैं कृत, नहीं स्वयं करते हैं मन से करते हैं, वचन से करते हैं, काय से करते हैं, मन वचन काय योग हो गए। स्वयं करते हैं कृत, दूसरे से करवाते हैं कारित, और किसी जो दूसरा करता है उसका हम समर्थन या अनुमोदना करते हैं, सही अनुमोदना। और किसी कार्य को क्रोध मान माय लोभ की वशीभूत होकर यदि करते हैं तो ये क्या कहलाती है? कसाय। ये सब जीव अधिकरण कहलाते हैं। अब दूसरा भेद कौन सा है? अजीव अधिकरण। अगले सूत्र में उसका भेद बता रहे हैं। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्वि चतुर द्वि त्रिवेदा परम। परम यानी पर दूसरा, जो दूसरा भेद दिया है उस अजीब अधिकरण क्रम से निर्वर्तना के दो भेद, निक्षेप के चार भेद, संयोग के दो भेद और निसर्ग के तीन भेद, ये क्रम से अपन लगाएंगे। निर्वर्तना मतलब इसके दो भेद होते हैं। ये निर्वर्तना में पांचों शरीर मन वचन काय श्वासोच्छ्वास आते हैं। इन सब की जो आंतरिक रचना है वह भी हमारे आश्रम में कारण बनती है। जैसे बाहर में जो रचना होती है उसमें काष्ट कर्म या पुष्ट कर्म या चित्र आदि जो बाहर में अजीब क्रिया करते हैं दिखते हैं, वे सब हमारे परिणामों में निमित्त बनते हैं। जैसे देख लें किसी पुस्तक का कवर अच्छा है तो उसे देखकर क्या होता है? प्रसन्न अच्छा लगता है, मन प्रसन्न होता है। यदि गंदा कवर है तो देखकर क्या? गिलानी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये कहलाती है निर्वर्तना। चीजों की विभिन्न प्रकार वस्तुओं की विभिन्न प्रकार की संरचना हमारे मन में भले और बुरे भाव उत्पन्न करने में जो निमित्त बन जाते हैं ये अजीव अधिकरण निर्वर्तना कहलाते हैं। अब दूसरा है निक्षेप। निक्षेप यानी होता है रखना। वस्तुओं को रखने में उठाने क्रिया में
हमारे अंदर जो भाव अलग अलग ढंग से परिवर्तित होते हैं वे भी हमारे आश्रम में कारण बनते हैं। अब संयोग, संयोग क्या है? चीजों को मिलाना, योग मिलाना, जैसे मिले जीव और अजीव, ये दो तत्व मिलते हैं तो क्या होता है? आश्रव होता है। इसी प्रकार संयोग करना, जैसे कई में कई चीज आप लोग आहार में क्या क्या मिलाते हैं, नमक मिलाना, ऊपर से नमक डालते ना, किसी का त्याग भी हो तो भी धीरे से मिला देते हैं, ये संयोग कर देना, तो ये इष्ट भी होता है और अनिष्ट भी होता है, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, तो इससे भी क्या होता है? आश्रव होता है, पाप का आश्रव होता है। किसी का मान लो कोई वस्तु का त्याग है, उसमें अपन ने मिला दिया, भले आपके उसमें भाव अच्छे हो, औसत के रूप में कहते हैं ना, औसत के रूप में हम मिला देते हैं, लेकिन आश्रव तो उससे हो रहा है। अब जैसे हम लोग भी हैं, जैसे कमंडल हैं, उनको रखना, पिछली कमंडल हम लोग क्या उपकरण माने गए हैं, शरीर भी उपकरण माना गया है, इन्हें उठाना रखना कैसे, तो आचार्य जी कहते हैं इसको परिमार्जन करके बताया गया है। जैसे यहाँ बिना धूप, जहां धूप नहीं आ रही वहां बैठे हैं, और मान लो जाना धूप में है, तो कहा गया कि पहले शरीर का परिमार्जन कर लो, अपने पिछी का भी परिमार्जन वो कर लो, जिससे बाहर के, क्योंकि वहां धूप के जो बड़गड़ा है जीव है और यहाँ पे शीत के हैं, इन जो आपस मिल जाते हैं तो इनसे भी आश्रव होता है, इससे भी हमें दोष लगता है। अब निसर्ग, निसर्ग क्या कहलाता है? शरीर की परिवर्तना, हम जिस तरह शरीर का हलन चलन करेंगे, जिस तरह से वचनों का प्रयोग करेंगे, मन को जिस प्रकार के विचारों में लगाएंगे, उससे आश्रव होता है, अधिकरण बंद निसर्ग। इसलिए असी करके मन वचन का है, तीन प्रकार का निसर्ग होता है। जैसे मन अपन ने अपना स्पंद मन के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में क्या हुआ, स्पंदन हुआ, स्पंदन होने से भी क्या होता है? आश्रव होता है। योग कहलाता ना मन वचन का है, उससे स्पंदन होता है, उससे आश्रव होता है, उससे भी जीवों का घात हो सकता है। वचन भी हम बोलते हैं, अब मोबाइल से अपन कितनी चर्चा करते कि नहीं, अब मोबाइल से वायुमंडल में कितने जीव रहते हैं, उसकी जो रेज किरणें होती हैं वो जब जाती हैं आखिरी उस तक, तो उससे भी जो बीच में जीव आते हैं उनका घात होता रहता है, ये हमारे पाप आश्रव का कारण बनता है। ठीक है, और मन भी हमारा यथवा तद्वा घूमता रहता है, इसलिए भी उससे भी हमारा पाप का आश्रव होता है, इसलिए जी अधिकरण कहलाते हैं कि ये भी आधार बनते हैं। अब अगला सूत्र दे रहे हैं कि जो हमारे द्रव्य कर्म होते हैं, उन आठ कर्म होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, वेदिनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये जो द्रव्य कर्म है, ये इनके द्वारा भी आश्रव होता है, तो कौन कौन से आश्रव के इनमें कारण बनते हैं वो अब इनके सभी अष्टकर्मों का आश्रव के कारण इन सूत्रों के द्वारा यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इसलिए आचार्य श्री एक बार कहते हैं कि उनसे ज्ञान सागर जी मुनि महाराज, आचार्य ज्ञान साई ने कहा था कि साधु और श्रापकों को सभी को बार बार इस अध्याय का अध्ययन करते रहना चाहिए, कि जिससे हमें मालूम पड़ता रहे कि हमारे परिणामों के जो हमारे अंदर परिणाम होते हैं, हमें उनसे कौन से कर्मों का आश्रव होता रहता है। ठीक है, तो सूत्र इसके लिए दे रहे हैं, पहला जो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म है उसके लिए सूत्र दे रहे हैं कि कौन कौन से कारण है। तत्प्रदोष निन्नव मात सारे अंतराया साधनो घाता ज्ञान दर्शनावरण यो हो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण इनमें कौन कौन से कारण है तो बता रहे हैं, प्रदोष निन्नव मात्सर अंतराय आसादन और उपघात, ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण है। अब प्रदोष क्या कहलाता है? तत्व ज्ञान में हर्ष का अभाव होना, ये प्रदोष है।
इससे क्या होता है, कहते हैं किसी का ज्ञान अच्छा है, किसी का अच्छा ज्ञान दे रहा है, पर उसमें कोई उत्साह नहीं है, मन में कोई हर्ष नहीं है, और मन में अंतरंग में ईर्ष्या जलन हो जाना, दूसरों को हमारे मन में ऐसा भाव दूसरों को हम नीचा दिखा सकें, ये सब क्या कहलाते हैं, प्रदोष कहलाते हैं। दूसरा, बैठे बैठे ही ज्ञान, इससे क्या होता है, बैठे बैठे ही ज्ञानावरण कर्म का आश्रय हो जाता है। जैसे आप लोग बैठे हैं, धर्म सभा चल रही है, धर्म सभा में सैकड़ों लोग बैठते हैं, वहां तत्व ज्ञान का प्रमुख यानी उपदेश हो रहा है, अच्छी ज्ञान की चर्चा हो रही है, किंतु वहां बैठे बैठे ही द्वेष किया, क्योंकि उस व्यक्ति विशेष के प्रति मान लो करने वाला यदि है, यदि हमें उसके प्रति द्वेष भाव है, तो इसके लिए हमें उसके उसमें क्या हर्ष उत्पन्न नहीं होगा, तो क्या कर इससे ये प्रदोष हो जाएगा, यहाँ पे इसके कारण हमें पाप का आश्रय होगा और हमारे ज्ञान का आवरण ढक जाएगा। ठीक है, ज्ञान अकरणीकरण का आश्रय होगा। अब दूसरा कौन है, निन्नाओ। अब ज्ञान यदि हमें मालूम है, कोई बात ज्ञान की हमें मालूम है, पर उसके बारे में कोई हमसे पूछता है तो हम बोलते हैं कि हमें नहीं मालूम, या किसी पुस्तक के बारे में कोई पूछ लिया कि यह पुस्तक आपके पास है, उसको हमने मना कर दिया जबकि पुस्तक अपने पास थी। इसी प्रकार कि आपने यह ज्ञान किससे प्राप्त किया, अपने गुरु का नाम छिपा लेना, यह क्या कहलाता है, गुरु निन्नव कहलाता है। इससे भी बहुत हमें ज्ञान अवर्णी कर्म का आश्रय होता है। अब मात्सर, किसी बात की जानकारी होते हुए यह सोचकर कि दूसरों को मुझसे ज्यादा ज्ञान ना हो जाए, जानकारी ना हो जाए, ईर्ष्या रखना, यह बात ना बताना, यह क्या कहलाता है, मात्सर्य। जैसे किसी किताब से पढ़ा, यह पूछने पर किताब का नाम छिपा लेना, कोई दूसरा मांगे तो किताब मना कर देना, ईर्ष्या के बस, ये मात्सर्य कहलाता है। अब तीसरा क्या है, अंतराय। किसी के ज्ञान में, ज्ञान प्राप्ति के जो साधन है, उपकरण है, उनमें बाधा डाल देना, किसी की किताब अलग कर देना, पढ़ते हुए कि अपन बंद कर दे, लाइट वगैरह बंद कर देना, किस लिए हमें इसको परेशान करना, इसलिए बंद कर दे लाइट, अथवा कोई अधिक पढ़ रहा है उससे कह देना अब सो जाओ, ये सब क्या है, अंतराय कर्म है जो हमें ज्ञानावरण आश्रय करवाते हैं। अब दूसरे के द्वारा दी गई जानकारी का अनादर ना करते हुए शरीर और वचन दोनों से हम उसको निषेध कर दें, भीतर मन में निषेध करना कि कुछ पता नहीं, और उनको और दूसरी तरह का प्रनुपण करने लगे, ऐसे अनेक प्रकार से ज्ञान का आदर न करना आसाधना कहलाती है। ज्ञान की या जो ज्ञान देते हैं उनकी ज्ञान मान की दूसरे के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसके प्रति हमारे अंदर आदर ना होना, अनादर का भाव रखना, यह कहलाती है आसाधना। और शरीर और वचन के द्वारा से भी अनादर करना, इससे भी ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय होता है। इसी प्रकार सही ज्ञान में भी, जो सही ज्ञान है उसमें भी दोष लगा देना, उसे गलत साबित करना, ये कहलाता है उपघात। असाधना में तो केवल क्या होता है, अनादर ही होता है, किंतु ज्ञान उपघात में ज्ञान को ही अज्ञान कह देना, इससे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों कर्मों का आश्रय होता है। इससे जैसे इनके अलावा भी और आश्रय और कारण भी होते हैं आश्रय के, तो राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंग स्वामी बताते हैं, आचार्य और उपाध्याय के प्रति, इनके प्रतिकूल चलना, जो जैसा कहते हैं इनके अनुकूल कार्य नहीं करना, ये भी अपने ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण है। अकाल में स्वाध्याय करना, अश्रद्धा भाव से स्वाध्याय करना, अभ्यास करने में आलस करना, प्रमाद करना, अनादर से सुनना, ये सब क्या है, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण है। एक बात और है, जैसे
ये आ गया इसमें आसो ज्ञानावर्णी दर्शना। एक दर्शनावर्णी कर्म का आसो हम कैसे करते हैं, देखिए आप लोगों को कई बार बताया गया है कमेटी के संचालन करते हैं कि पूजा आचार्य गुरुवर की पूजन होती है या आचार्य भक्ति होती है, उस समय हम मोबाइल का उपयोग ना करें। क्या होता उससे, ये दर्शनावर्णी कर्म का आप आश्रय कर रहे हैं। कैसे, मान लो भक्ति हो रही है, आचार्य भक्ति हो रही है, आप लोग किस लिए इधर आए हैं, आचार्य गुरुवर सत्संग के दर्शन करने के लिए तिदूर से आते हैं। चूंकि हम उस समय मोबाइल हाथ में रहता है, दर्शन होता नहीं, ये अंतराय कर्म आप अपने को स्वयं अंतराय डाल रहे हैं और दूसरे भी इससे प्रभावित होते हैं। मान लो एक व्यक्ति का मोबाइल चल रहा है, आपको देख के दूसरे ने मोबाइल चालू कर लिया तो उसका मन भी इससे परिवर्तित हो जाता है। अब मान लो इतने बड़े आचार्य हैं, वो तो अपने गुरु की भक्ति कर रहे हैं, हाथ जोड़े वो बैठे हैं, भक्ति पढ़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं उस समय, ये अभिनय कहलाती है। हम उस समय भी हाथ जोड़ के, मान लो हमें भक्ति नहीं आती है, कम से कम हम अपने भाव मन में ये भाव तो ला सकते हैं कि हे भगवान हमें भक्ति नहीं आती, लेकिन जो आचार्य पढ़ रहे हैं वही भक्ति में हमारा भाव लग जाए, वही हमारे अंदर भाव प्रकट हो जाए जो आचार्य महाराज भक्ति कर रहे हैं। कम से कम जैसी वो आकृति बनाकर बैठे हैं हाथ जोड़कर, उस समय हमें भी हाथ जोड़कर उस समय बैठना चाहिए, क्योंकि मन वचन काय, वहां मन भी लगना चाहिए अपना, काय भी स्थिर होना चाहिए। जो हाथ जोड़े गुरुवर बैठे हैं, वैसे भी कम से हमें शब्द नहीं आ रहे हैं, तो वैसे हाथ जोड़कर उस समय बैठना चाहिए और मन वचन और काय हिलना डुलना। अब मोबाइल चलाते रहते हैं, कई पीछे देखते हैं, कई बोलते रहते हैं, कि ये दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं होती, दूसरों को दिखाने के लिए कमेटी के द्वारा यहाँ बड़े बड़े कैमरे लगाए गए हैं, जिसको घर बैठे देखना है वो घर बैठे भी देख सकता है। इससे हमें दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है, आश्रय होता है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, मिथ्या उपदेश करना, बहुत शुद्धवान का अपमान करना, अपने से अधिक ज्ञानवान के समक्ष भी अपने पक्ष का दुराग्रह करना, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। अब जैसे कभी कभी कोई विषय ऐसा होता है तो उसमें कई आचार्यों के कई मत होते हैं, इसमें आचार्य महाराज बड़े अच्छे से क्या कह लेते हैं, हम सभी मतों के साथ सामंजस्य बिठा के चलते हैं, किसी एक मत का लेके हटाग्रह नहीं करते। क्यों, क्योंकि सभी पूज्य पुरुष हैं, आचार्य हैं, उनने भी चिंतन मनन करके कोई मत रखा होगा, भली हमें उसमें अपने ज्ञान छह उसम ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, इसके माध्यम से हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए आचार्य जी कहते हैं कि हम इसमें हटाग्रह नहीं करना चाहिए। हटाग्रह जो करते हैं वो भी हमारे ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय का कारण बनता है। अब अगले जो बंद के दर्शनावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रय जी बताए, इनमें दर्शनावर्णी कर्म के और भी कारण बताए अन्य ग्रंथों में, अपनी दृष्टि में अहंकार होना, जैसे कोई कह दे ये 70 साल के हो गए अभी तक इन्हें चश्मा नहीं लगा, हम देखो अभी तक हमें चश्मा नहीं लगा, इनको चश्मा लग गया, बच्चा इनको चश्मा लग गया, हमें अभी तक चश्मा नहीं लगा, ये दृष्टि का घमंड कहलाता है। इससे भी हमें दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय हो सकता है। और दीर्घ निद्रा लेना, दीर्घ निद्रा यानी ज्यादापन को, अकाल समय में जो समय हमें सोने का बताया गया है उसके अलावा भी दिन में सोना, यह भी दर्शनावरण कर्म का आश्रय का कारण है। प्रमाद करना, सम्यक दृष्टि के दूषण लगाना, कुतीर्थों की प्रशंसा करना, मुनि जनों यति जनों के प्रति गिलानी का भाव होना, ये सब दर्शनावरणी कर्म के आश्रय के कारण है। ठीक है, अब अगला कौन सा है कर्म, वेदनीय। वेदनीय के दो भेद हैं, एक असाता वेदनीय और एक साता वेदनीय। तो पहले बता रहे हैं असाता वेदनीय कर्म के आश्रय के कारण,
दुख शोक तापा क्रंदन बत परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद विद्यस्य। स्वामे परमे या उभय दोनों में स्थित दुख सुख ताप आक्रंदन बद और परिदेवन ये असाता वेदनी कर्म के आश्रयों के कारण हैं। अब दुख क्या है? असाता वेदनी कर्म बांधने हो तो ऐसा करो, स्वयं में ये सबके साथ लगाना है, स्वयं में दूसरे में या दोनों में पीड़ा अनुभव करना। हमें दूसरों में क्या कष्ट हो रहा है, स्वयं में कोई कष्ट हो रहा है या हमें खुद में या दूसरे में, इसका पीड़ा का अनुभव करना, दूसरों को या दूसरों को भी पीड़ा करवा देना, यह दुख कहलाता है। अब शोक, किसी प्रिय वस्तु का वियोग हो जाना या नष्ट हो जाना, उनका खो जाना, उसके होने पर जो मन में पीड़ा उत्पन्न होती है उसे क्या कहलाते हैं? शोक कहलाते हैं। दुख की तुलना में शोक से अधिक असाध्य वेदनीय का आश्रय होता है। क्यों? अब तीसरा ताप, किसी ने किसी पर झूठा आरोप लगा दिया, इसके कारण जो मानसिक व्यथा होती है उसे ताप कहते हैं। अब आक्रंदन, जोर जोर से विलाप करते हुए रोना होता ना, जोर जोर से रोते हैं कष्ट होने पर, तो ये कहलाता है आक्रंदन। दूसरे के प्राणों का घात करना ये कहलाता है बद, इससे भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। और कोई प्रिय व्यक्ति है उसका वियोग हो जाए, उसके गुणों का बार बार स्मरण करते हुए करुणाप्रद रुदन करना कि सामने वाला भी उसको देखकर रुदन करने लगे, ऐसा ये कहलाता है परिदेवन, इससे भी असाता कर्म का बंद होता है। और भी अन्य कारण ग्रंथों में बताए हैं असाता कर्म के, अशुभ प्रयोग करना, दूसरों पर दोष लगाना, चुगली प्रसन्न करना, इनसे भी असाता कर्म का आश्रय होता है। अब साता कर्म वेदनी के आश्रय के क्या कारण है इसके लिए बताते हैं। भूत वृत्तानुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौच विधि सद्वेद्यस्य। प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखना और वृत्ति के प्रति अनुकंपा रखना, ऐसा आचार्य जी इसको ऐसा लेते हैं कि प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखना और वृत्तियों के लिए दान आदि देना, ये साता वेदनी कर्म के आश्रय होते हैं। भूत के प्रति मतलब प्राणियों के प्रति अनुकंपा, पतियों को दान देना और सराग संयम आदि का उचित ध्यान रखना और शांति सोच, ये साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण है। अब कह रहे हैं प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखना, इससे क्या होता है, जैसे कोई भी कष्ट में गाय वगैरह है, प्राणी वो भी है, गाय वगैरह पैर में चोट लग गई, उसको अपन ने जाके क्या कर दिया, अनुकंपा करुणा पूर्वक उसका इलाज करवा दिया, तो ये हमारे साता कर्म वेदनीय आश्रय का कारण बनेगा। अब इसी प्रकार व्रतियों व्रती हैं जो उनको दान देना, आहार दान देना, कोई औषध दान देना, और जो ब्रह्मचारी भाई बहन है उनका भी यथा योग सम्मान करना, उनकी व्यवस्था करना, ये भी क्या कहलाता है, साता वेदी कर्म का कारण है। अब शांति, क्रोध आदि कसायों की मंदता होना ये शांति है, इससे भी क्या होता है, यदि क्रोध आदि कसाएं हमारी मंद रहेंगी इससे भी हमें साता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। और अंदर मन अपने हमारे अंदर निर्लोभता का होना, सोच धर्म में आया था ना, पवित्रता का होना, इससे भी क्या होता है, साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है।
जब दूसरे के दुख को देखकर अपना मन कब जाए, उनका दुख जैसा ही दुख स्वयं को अनुभव हुए वह अनुकंपा कहलाती है। इसी प्रकार ये सब हम कारण है जो साधक कर्म वेदने के आश्रयों के कारण होते हैं। अब दान देना स्वयं के ऊपर और दूसरे के उपकार के लिए देना, ये भी साता कर्म वेदनीय कर्म के आश्रयों के कारण है। और भी क्या कारण है तो बता रहे हैं ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में आए हैं। संयम का पालन करना, क्रोध आदि को मन बताए रखना, और जितना हम परिग्रह जोड़ लेंगे, साधन सुख साधन जोड़ लेंगे, उतनी साता रहेगी। इससे वो असाता वेदनीय कर्म होगा जितना हम कम परिग्रह रखेंगे, और जितना हम परिग्रह वो भी उसका दान पुण्य करते जाएंगे, इससे हमें सब साता वेदनीय का आश्रय होता रहेगा। मतलब इससे हमारी निर्लोप प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। अब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण अगले सूत्र में बता रहे हैं, केवली सत्संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। अवर्णवाद करना, अवर्णवाद क्या कहलाता है, श्रेष्ठ जनों में जो हमारे पूज्य थे उनमें जो दोष नहीं है उन दोषों की उनमें कल्पना करना, ये कहलाता है अवर्णवाद। अब कवर्णवाद किन किन में, केवली में, श्रुत में, संग में, धर्म में और देवों का अवर्णवाद करना, ये दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रयों का कारण है। क्या, अब जैसे ये पूज्य पुरुषों में दोष लगाना, आविष्करण करना, ये उनका अवर्णवाद कहलाता है। और केवली अवर्णवाद, केवली भगवान को भी आहार करना पड़ता है, ये अवर्णवाद कहलाता है। जैसे जिंदवाणी में लिखा सुत का अवर्णवाद क्या है, जिंदवाणी अहिंसा धर्म है, मुनि व सवाद दोनों को अहिंसा का पालन करना चाहिए, या न कहकर कहना कि जिंदवाणी में मांस भक्षण अति आदि का विधान है। इस तरह की अवर्णवाद करना ये सुत का अवर्णवाद कहलाता है। साधुओं को के संघ को समूह कहते हैं, मुनि आरिका श्राव सारिका ये भी एक संघ कहलाता है, यति मुनि अनगार ये भी एक संघ कहलाता है। इनका अवर्णवाद करना, दोष लगाना, कहना कि ये साधु इतने दुखी हैं तो इससे क्या सुख मिलेगा, इनकी काया सूख रही है, भोजन करते एक बार भोजन करते हैं इससे इनको क्या मिलेगा, अथवा इनका शरीर कैसा है, मल से युक्त है, ये स्नान वगैरह नहीं करते, ये असुचि है, इसका कारण ये सब कहना ये संघ का अवर्णवाद है। आचार्य श्री इसमें एक बार एक चीज और कहते हैं, पद लेकर तद योग आचरण न करना भी ये संघ का अवर्णवाद कहलाता है। इसी प्रकार अहिंसा धर्म श्रेष्ठ है, किंतु उनके उसके लिए उल्टा सीधा कहना, अहिंसा से कल्याण नहीं होता, अकल्याण मौना मानना आदि, ये क्या है, धर्म का अवर्णवाद है। देवों के लिए कहना, देव तो स्वर्ग में सुरापान करते हैं, इस प्रकार और भी कहना देवों का अवर्णवाद है। ये सब हमारे इनसे क्या होता है, हमारे दर्शन मोहिनीय कर्म का आश्रय होता है। इस प्रकार और भी बहुत से दोष हैं जो मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण होते हैं। अब ये दर्शन मोहिनी के आश्रय कारण हो गए, अब चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के यहाँ कारण बताए जा रहे हैं अगले सूत्र में। कसायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कसाय के उदय से होने वाला आत्मा का तीव्र परिणाम चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय है। क्या है, कर्म का उदय जो थोड़ा है पर बाहरी वातावरण यदि मिल गया है तो उसे हम क्या बड़ा बना लेते हैं। किसी ने जरा हमारे मन की बात नहीं की या हमारे मन के अनुसार कार्य नहीं किया, उस पर हमें क्या आ गया, क्रोध आ गया, इसके कारण हमने अपने आप से ये बढ़ा लिया आश्रय।
और किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ कहा उसी समय हमने उसको उत्तर दे दिया, इससे भी हमारे कसाई का जो उदय था वो तीव्रता में बदल गया। इससे क्या होता है, चैत्य मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। इस समय हमें क्या करना चाहिए, यदि कोई हमें दिखता है तो हमें शांत परिणाम लगता है या तो वह स्थान हमें छोड़ देना चाहिए या सोचना चाहिए कि यह हमारे कर्म का उदय है इसलिए ऐसा हो रहा है, इससे हम इस कर्म के आश्रय से बच सकते हैं। और क्या कारण है इसमें, तो बता रहे हैं स्वयं कसाय करना, दूसरों को कसाय उत्पन्न करवा देना, तपस्वी जनों के व्रतों में दोष लगाना, संक्लेश उत्पन्न करने वाले व्रत और वेश धारण कर लेना आदि से भी ये चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय होते हैं। अब सच्चे धर्म की मखौल उड़ाना, गरीब जनों का या असमर्थ जनों का मजाक उड़ाना, व्यर्थ में बकवाद या बकवास करना, हंसी मजाक करना, ये सब चैत्य मोहिनी कसाय बंध के कारण होते हैं। अब नरक आयु, इसके बाद आयु कर्म आता है, ये दर्शन मोहिनी ज्ञाना वर्णीय, दर्शना वर्णीय और मोहिनी है, ये इतने कर्म के भेद आश्रव के कारण हो गए। अब अगला है आयु कर्म, आयु कर्म के आश्रव के कारण बता रहे। सबसे पहले नरक आयु के आश्रव के कारण क्या होते हैं, बहुवा रम परिग्रतम नारकस्या ईशाहा, बहुत आरंभ करना और बहुत परिग्रह रखना, ऐसे भाव करना, ये नरक आयु के आश्रव के कारण है। प्राणियों को दुख पहुंचाना, बाल अपन कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हिंसा तो होती है, अहिंसा भी कई प्रकार की हो रही, आरंभी सारंभी भाव संकल्प पूर्वी, इस प्रकार प्राणियों को जिसमें दुख पहुंचे वो कार्य ऐसा करना वो आरंभ है, तथा वस्तुओं के प्रति यह मेरी है ऐसे भाव रखना ये परिग्रह कहलाता है। इनमें भी आसक्ति रखना, बहुत परिग्रह रखना, ये क्या है, नरक आयु के आश्रय के कारण है। अब अगले सूत्र में त्रयंच आयु के आश्रय के कारण बता रहे हैं, माया तरेग्यो नश्य, माया से त्रयंच आयु का आश्रय होता है, मायाचारी करने से त्रयंच पाया मिलती है, इसलिए हमें मायाचारी से बचना चाहिए। और भी क्या कारण है इससे, इसके तो बताते हैं, विनम्र होना, सज्जन होना, सीधा सच्चा व्यवहार करना, स्वभाव से मधुर होना, ये सब हमने किया होगा तब हमें मनुष्य पर्याय अगली जो मनुष्य आयु उसके कारण की बता रहे हैं, यह हमें मिली है। किन किन कारण से मिली होगी तो हम बता रहे हैं, यदि हम ये कार्य नहीं करेंगे, क्या विनम्र नहीं होंगे, साधुपना हमें नहीं होगा, सीधा सच्चा व्यवहार नहीं करेंगे, स्वभाव से यदि हम मधु नहीं होंगे तो हमें ये सब पर्याय मिल सकती हैं, नरक और तिरंज। यदि हम ये नहीं करेंगे तो ये सब पर्याय, यदि हम ये सब करेंगे तो उससे क्या होगा, मनुष्य आयु का हमें आश्रय होने लगेगा। अगले मनुष्य आयु के आश्रय के यहाँ और कारण बता रहे हैं, उसके लिए सूत्र है, अल्पारम परिग्रतम मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह का भाव मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। अभी पहले बताया था क्या, नरक आयु बहुत परिग्रह और बहुत आरंभ, यहाँ क्या कह रहे हैं, अल्प आरंभ, यानी जिसने अल्प आरंभ किया और थोड़ा सा परिग्रह रखा, जितना हमें उपयुक्त है उतना हमने रख लिया, तो ये हमारे क्या बने, मनुष्य आयु के आश्रय का कारण बनेगा। अब क्या है मनुष्य आयु के आश्रय के और भी कारण है क्या, बता रहे हैं, स्वभाव माधवम चे, स्वभाव की मृदुता, यह स्वभाव में हमेरा मुलायमपन होना भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण है। जिसके स्वभाव में जितनी मृदुता होगी वह मनुष्य आयु का बंध करेगा, क्योंकि मनुष्य आयु स्वभाव की मृदुता भी मनुष्य आयु का कारण है। अब और
इसमें कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता आचार्य जी कह रहे, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वभावता रहती है, वो मनुष्य आयु के आश्रयों का कारण है। अब अगले सूत्र में आचार्य महाराज बता रहे हैं निश्चील बतत्वम च सर्वेशाम, इसमें मनुष्य आयु के साथ साथ और भी आयु का आश्रय होता है, इसलिए इसको निश्चील तत्व और निर्वतत्वम उपचय से लेना है। क्या पूर्व में जो मनुष्य आयु और देव आयु बताई है उससे भी अल्प आरंभ आदि का सभी आयु का आश्रय के सर्वेशाम यानी सभी आयु के आश्रय का ये कारण है। क्या निश्चील तत्वम और निर्वतत्वम, यदि हम व्रत से रहे थे शील से रहे थे तो किसी भी आयु का आश्रय हो सकता है, पर देव आयु का आश्रय नहीं होगा इसके द्वारा। अब देव आयु के अलग कारण क्या है आश्रय के, वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जला बाल तपांसी दैवश्य, सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देव आयु के आश्रय के कारण हैं। और भी कारण है परवस्थाएं मजदूरी मजबूरी में भूख प्यास की बाधा सहने से जो कर्मों की निर्जरा होती है वह अकाम निर्जरा है। मिथ्या के साथ जो तपस्या आदि की जाती है वह बाल तप कहलाता है। ये सब देव आयु के आश्रय के कारण है। सराग संयम आप जानते ही हैं सभी, ये मुनिराज मुनि महाराज को होता है, संयम संयम पांचवें गुण स्थान वर्ती को होता है, इनसे भी देव आयु के आश्रय के कारण बनते हैं। अब अगला सूत्र कह रहे हैं सम्यक्तम चे, सम्यक्त भी देव आयु के आश्रय का कारण है। अब अगला सूत्र बता रहे हैं जे सम्यक अशुभ नाम कर नाम कर्म आया इसमें, अशुभ नाम कर्म के आश्रय क्या कारण है, तो योग वक्ता विसंवादनम च शुभस्य नामनः, योग की वक्ता, योग क्या पहले सूत्र बताए मन वचन काय, इनकी वक्ता होना कुटिलता होना और विसंवाद, विसंवाद यानी जो नहीं बोलना चाहिए वो भी हम बोल दें जिससे हम विवाद बन जाते हैं वो कहलाता है विसंवाद। ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रय हैं। मन में कुछ सोचना कुछ बोलना कुछ करना कुछ, इस प्रकार मन वचन का एक कुटिलता ही योग भगता है। अन्यथा प्रवृत्ति करना जो चार शब्द भी आया है उससे क्या लिया है आचार्य कहते हैं अन्यथा प्रवृत्ति करना विसंवादन है, मिथ्या दर्शन चुगलखोरी चित्त की अस्थिरता घटा बढ़ाकर लेन देन करना पर निंदा करना आत्म प्रशंसा आदि भी क्या है अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कर्म के आश्रय क्या है इसलिए बता रहे हैं तद विपरीतम शुभस्य, इसके इनके विपरीत तद यानी जो ऊपर सूत्र आया था है योग वक्ता और विसंवाद, इनसे विपरीत यानी योगों की सरलता और अभिसंवादनम ये शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। जीव और भी क्या कारण है जीवन में संतोष वृत्ति रखना ये भी शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण होता है। अब नाम कर्म की प्रकृतियां कौन कौन है, इसमें जो पुण्य प्रकृति है वो है उन दर्शन विशुद्धि विनय संबन्नता शील वितुष्णति चारो भीक्षण ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति तस् त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण मर्दाचार भविष्य प्रवचन भक्ति रावस्य का परिहारण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकर तस्य। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रत और अभीक्ष ज्ञान उपयोग
अभिक्ष संवेग शक्ति त्याग शक्ति त्याग साधु समाधि बैया वृत्ति अरध भक्ति आचार भक्ति बहुसत भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक परिहारण मार्ग प्रभावना और प्रवचन भक्ति ये 16 कारण भावनाएं हैं जिनसे हमें क्या होता है ये नाम कर्म की शुभ नाम कर्म की प्रकृतियां है। अब दर्शन विशुद्धि क्या है जिनोदिष्ट निर्गंत मोक्ष मार्ग में निसंकित आदि जो 8 गुण हैं इनमें रुचि रखना दर्शन विशुद्धि भावना है। अहिंसा धर्म के प्रति सबकी भावना हो ये आचार्य श्री कहते हैं अहिंसा धर्म के प्रति सबकी भावना हो सबका समर्पण हो ऐसा जो रात दिन विचार मन में भाव होता है वह दर्शन विशुद्धि के का आश्रय का कारण बनता है। अब जो दर्शन का अर्थ यहाँ पे मत होता है ऐसा आचार्य श्री का है मत भी होता है असा जैन धर्म की विशेष विशुद्धि पूर्वक प्रभाव न करना भी क्या है दर्शन विशुद्धि है। दूसरी कौन सी विनय संपन्नता सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग के साधनों में तथा ज्ञान के निमित्त गुरु आदि में योग रीति से सत्कार आदर आदि करना तथा कसाय की निवृत्ति करना यह विनय संपन्नता है। हमारे जो गुरु हैं जो बहुस्वत हैं जो हमें पढ़ाते हैं उनमें उनके प्रति हमारे क्या विनय भाव रखना ये विनय संपन्नता है। अब शील वितोषणति 4 भावना अहिंसादिक आदि जो व्रत हैं शील 7 शील होते हैं 3 शिक्षा 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाविद ये 7 शील कहलाते हैं इनके पालन करने के लिए क्रोध आदि का त्याग करना शील है इन दोनों को पालन करने से निर्दोष प्रवृत्ति रखना ये क्या है शील वितोषणति 4 भावना। अब अवीक्ष ज्ञान उपयोग भावना इस भावना में तत्पर रहना अवीक्ष ज्ञान उपयोग है। फिर अवीक्ष संवेग भावना संसार के दुखों से निरंतर डरते रहना अवीक्ष संवेग रखना जगत का स्वभाव संवेग बैराग यातम यानी जगत से हमें हमेशा क्या करते रहना भयभीत होना और काय के प्रति वैराग्य भाव उत्पन्न होना ये संवेग है संसार ये संवेग भावना है। ऐसा अपन यदि निरंतर डरते रहेंगे तो सोचते रहेंगे तो इससे हमें क्या आश्रय होगा शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। अब शक्ति त्याग भावना त्याग इधर त्याग का अर्थ यहाँ पे दान लिया है वह दान 3 प्रकार का है आहार दान अवय दान ज्ञान दान उसे अपनी शक्ति के अनुसार विधि पूर्वक देना यथा शक्ति त्याग कहलाता है। जैसे आहार दान है इसमें आहार दान में एक औसत दान भी आहार दान के अंतर्गत आ जाता है ये भी एक महत्वपूर्ण दान माना जाता है। अब शक्ति तप भावना अपनी शक्ति को न छिपाकर मार्ग में काय क्लेश आदि तप को करना ये कहलाता है शक्ति तप भावना। साधु समाधि जैसे अपने जो ग्रह में आग लग गई वह प्रयत्न पूर्वक शांत की जाती है उसी तरह अनेक व्रतशीलों से समृत मुनिगण के तप आदि में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो उनका निवारण करना ये कहलाता है साधु समाधि भावना। वैयावृत्तिकरण गुणवान साधुओं पर आए हुए कष्ट आदि रोग आदि को निर्दोष विधि से हटा देना उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करके वैयावृत्ति करना ये वैयावृत्तिकरण भावना है। अरद भक्ति केवल ज्ञान रूपी दिव्य नेत्र के धारी जो अनंत परमेष्टि होते हैं उनमें जो भावयुक्त अनुराग भक्ति करना उनकी पूजन करना अर्चना करना वह अरद भक्ति कहलाती है अरद भक्ति भावना कहलाती है। आचार भक्ति आचार में भाव विशुद्धि युक्त जो अनुराग है वह आचार भक्ति है। बहुसत भक्ति उपाध्याय में भाव शुद्धि रखना जो अनुराग रखना वह बहुसत भक्ति भावना है। प्रवचन भक्ति जिनवाणी में जो अपनी एकाग्रता लाना उनको शुद्ध तरीके से पढ़ना और उनका मनन चिंतन करना उनका विनय करना जिनवाणी की ये प्रवचन भक्ति
कहलाती है। आवश्यक परिहारण भावना, आवश्यक अपने जो आवश्यक बताए छह आवश्यक उनको यथाकाल यथा समय पे उत्साह पूर्वक करना आवश्यक परिहारणी भावना कहलाती है। अब मार्ग प्रभावना, ज्ञान तप दान जिन पूजा इनके द्वारा धर्म का प्रकाश करना ये प्रभावना कहलाती है। और प्रवचन वत्सलत भावना, जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति वात्सल रखती है, स्नेह रखती है, वैसे ही अपने साधर्मियों के प्रति स्नेह रखना वात्सल रखना प्रवचन वत्सलत कहलाती है। आचार्य जी कहते हैं कमजोर जो परिवार रहते हैं उनकी भी सहायता करना जिससे ही वे धर्म कर सकें यह प्रवचन वत्सलत भावना कहलाती है। ये सभी भावनाएं दर्शन विशुद्धि आदि जो भावना है इनसे हमें शुभ नामकरण प्रकृति का आश्रय होता है। और इनसे जैसे दर्शन विशुद्धि यदि है उससे जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वो हमें ऐसे अव्यवाद सुख को देने वाली है। और 16 कारण में भावनाएं यदि हो या ना हो लेकिन दर्शन विशुद्धि है तो उससे ही हमें तीर्थंक प्रकृति बंद होकर हम उसको मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब नीच गुप्त के आशाओं के कारण यहां बताए जा रहे हैं परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुरोच्छादनो भावने चा नीचे गोत्रस्य। पर की निंदा आत्म यानी अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के विद्यमान गुणों का आच्छादन करना एवं अविद्यमान गुणों का उद्भावन करना तथा अपने अविद्यमान गुणों का उद्घाटन करना, और जो च शब्द आया है उससे अनंत आदि में भक्ति ना होना आदि ये सब नीच गोत्र के आश्रय के कारण है। अब उच्च गोत्र के आश्रय के कारण क्या है? तद विपर्ययो नीचे वित्त नित्से कौ चोतरस्य। नीच गोत्र के कारणों से विपरीत, तद विपर्या उनसे विपरीत अर्थात जो पहले बताया ना पर की निंदा, तो उसमें अपनी पर प्रशंसा करना, अपनी आत्मनिंदा करना, अपने गुणों का आच्छादन करना तथा पर के गुणों का उद्भावन करना, ये नम्र व्यक्ति नीचे व्यक्ति नम्र व्यक्ति और अनुत्सेग यानी उद्दंड स्वभाव का नहीं होना तथा उत्तरस अनंत आदि में भक्ति का होना ये सब क्या है? उच्च गोत्र के आश्रयों के कारण है। अब अंतिम कर्म है अंतराय। अंतराय कर्म के आश्रयों के क्या कारण है इसके लिए बताते हैं विघ्नकरण मंत्रायश्य। विघ्न करना किसी के अंतराय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं दान लाभ भोग उपभोग और वीर। इनमें विघ्न करना या बाधा उपस्थित करना ये अंतराय कर्म के आश्रय के कारण है। किसी की दान वृत्ति का नाश विनाश करना, किसी को उसके सद्गुण आदि का लाभ हो रहा हो जिससे उसकी आत्मा का विकास होना संभव हो वैसा निमित्त ना मिलने देना, किसी की भोग उपभोग वृत्ति में बाधा डालना, किसी शक्ति का अपहरण करना ये सब विघ्नकरण है यानी अंतराय है। इनसे जो कर्म का आश्रय होता है वो अंतराय कर्म का आश्रय कहलाता है। आज के इस अध्याय को आचार्य जी जो कहते हैं कि इसको हमें बार बार पढ़ना मनन चिंतन करना चाहिए जिससे हमें नाश्रव के परिणामों से बच सकें। इसमें जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो उसके लिए आचार्य जी से क्षमा प्रार्थी है। इसे अथा निष्ठापन स्वाध्याय वेदायाम काय स्वर्गम करोमि।
आप संयुक्त रूप से आए आचार्य भगवान के सत्संग से चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के पात्र प्रक्षालन का दुर्लभ सौभाग्य मोहित जी सोना।